तो नमस्कार, स्वागत करते हैं एजुकेशन लाइफ में। जी दोस्तों, फटाफट आप आंसर मिला सकते हैं। सामाजिक विज्ञान का पेपर दोस्तों आज 27/10/2023 दोस्तों मंथली टेस्ट का पेपर है और मेरे पास पेपर ही ओरिजिनल आ चुका है दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलाते हैं आंसर फटाफट। आप देखते हैं आंसर क्या मारे होंगे सही से। आंसर दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं तो आप लोग को 2024 में जो पेपर होगा बोर्ड का उसमें आप लोग को लाभ होने वाला, ठीक है ना। चलिए 100% गारंटी है कि सही से आंसर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सुलभ समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केशव चंद्र सेन ने। दूसरा का है, सर्वप्रथम भारत में सूती कपड़े की मिल कहाँ बनी? तो सूरत में, ठीक है ना। यहाँ से फटाफट आंसर मिलाएंगे। तीसरा देखिए, बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? सी आंसर, लॉर्ड डार्जिलिंग। चौथा का आंसर देखिए, निम्न से किस गोल में सम्मेलन में गांधी ने भाग लिया था? तो गांधी जी ने जो है ये तो चौथा का बी होगा, द्वितीय गोल मैच, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, चौथा का जो आंसर है गांधी जी ने बी ऑप्शन सही है, लेकिन ए 1931 में भाग लिया था, यह भी याद कीजिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पांचवा सवाल जो है, नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक? कम्बोडिया के। छठवां का, निम्न में से क्या एक गुप्त पुलिस संगठन है? तो ये चेका होगा दोस्तों, सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, सत्रह में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? तो किस आंदोलन दोस्तों? तो यहाँ पर सातवां का आंसर, करेक्ट आंसर याद कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, नागपुर अधिवेशन, ठीक है ना। चलते हैं आगे। ओके, चलिए फटाफट दोस्तों, मेरे पास पूरी तरह से पेपर ही आ चुका है पीडीएफ, और आप देख सकते हैं आठवां सवाल का यहाँ पर आंसर, निम्न में से क्या किसी देश के नागरिकों की औसत आयु है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आठवां का, जी बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। नौ नंबर सवाल का यहाँ पर देखिए, निम्न से किस क्रियाकलाप को द्वितीय क्षेत्र मान्य शामिल किया गया है? तो कृषि, ऑप्शन नंबर ए। दसवां सवाल, यहाँ पर बहुत ही कम समय में भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1991 में, सी ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर सवाल पूछा गया है, निम्न से क्या वाणिज्यिक बैंकों की एजेंसी नहीं कार नहीं है? देखिए क्वेश्चन जो है सस्पेंशन में नहीं पूछा गया है, इसमें ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है कोई भी। उसके बाद देखिए 12 नंबर सवाल है, अल्पकालीन ऋणों का लेन देन कहाँ होता है? तो पूंजी बाजार, ऑप्शन नंबर ए मारिएगा, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर बी भी दिया, मुद्रा बाजार, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 13 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने की दृष्टि से संगठन कौन है ना? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा। तो 13 का देखिए दोस्तों कन्फर्म होगा ए आंसर, ठीक है ना। तो 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, निम्न में से किस योजना के तहत वर्ष 100 दिन का रोजगार? देखिए मनरेगा के तहत, ये कांग्रेस पार्टी के सरकार में लागू हुआ था, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला, तो ये तो आप लोग झारखंड हो जाए दोस्तों। फटाफट याद कीजिए, बहुत ही कम समय में। प्रारंभिक जीविका कृषि का अन्य नाम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर होगा गहन कृषि, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये तो आपको क्लियर पता होना चाहिए दोस्तों। 17 का आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए फटाफट बिना समय के बारे अब याद करिए। 18, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1953 में, ऑप्शन नंबर सी याद करेंगे फटाफट। 19 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर पीडीएफ मेरे पास आ चुका है, इनमें से किसे सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों आपका आंसर 19 का, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि जूट को कहा जाता है। नेक्स्ट है, 20 जीवन रेखा क्या है? तो ये एक बीमा कंपनी है, डी आंसर सही होगा, ठीक है ना। उसके बाद 21 नंबर सवाल जो है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित? तो ये हो जाएगा आपका तारापुर, ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंप जोन में आता है? तो ये थोड़ा सा सस्पेंशन है दोस्तों यहाँ पर, चलिए इसका आंसर आप लोग पता कीजिए। 23 है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो यहाँ पर याद कीजिए दोस्तों, 23 नंबर सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी पर। 24 है, सुनामिटार द्वारा यानी क्या मापा जाता है? भूकंप दोस्तों। 25 धर्म को समुदाय का मुख्य आधार बनाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो यहाँ पर सांप्रदायिक दिया होगा, हाँ देखिए बिल्कुल दिया, ऑप्शन नंबर डी, डी होगा सांप्रदायिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद करेंगे 25 नंबर सवाल का, ठीक है ना। उसके बाद 26 नंबर कहता है, नगर पालिका के कार्य क्षेत्र विशेष संविधान किस अनुसूची में लिखित है? तो 12वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी। 28 लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था? तो रामविलास पासवान, और आपको मैं बता दूँ कब किए थे, 2000 में, सन 2000 की जगह रामविलास पासवान ने अपने पार्टी की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट है, 29 है, लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण है? 33%, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, 30 नंबर का, बहुत ही कम समय में भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो आपको पता है बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सोशल साइंस का पेपर मैंने बता दिया आंसर, ठीक है। थैंक यू, इस वीडियो को शेयर करें अन्य दोस्तों के पास, ताकि जो जो लोग आंसर मार के आए हैं अपना पेपर मिला लें। कितने जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कितने आंसर आपने सही दिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद, जय हिंद।